एंड आई एम मेजर जनरल शमी सबरवाल, आई वेलकम यू ऑल टू सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी और आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक इसके बारे में जब हम सुनते हैं एक बार थोड़ा सा डर आ जाता है दैट इज हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ फेलियर फेलियर वर्ड ही एक ऐसा है एक बार तो फियर आ ही जाता है

कि हर बार जब शिकार करने जाता है तो उसको ही सक्सेसफुल कि भाई सोते सोते उठे अंगड़ाई ली कि आज हिरन खाना है उठे एक झपटा मारा हिरन उसके पास आ गया अगले दिन मैंने जेबरा खाना है ऐसे होता होगा क्या लगता है अगर शेर सो बार शिकार करने जाता है तो कितनी बार सक्सेसफुल होता होगा दो तो बार में सिर्फ पच्चीस बार सक्सेसफुल होता है यानी कि हर चार चार्प्ट में उसको सक्सेस सिर्फ एक ही बार मिलती है यानी कि एक अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुई तो उसके बाद नेक्स्ट मैथमेटिकली तीन बार अनसक्सेसफुल होगा अब क्या होता है क्या शेर को मैथमेटिकल इक्वेशंस किसी ने सिखाई थी कि यार अगली तीन बार तो अब तेरे को सक्सेस मिलनी नहीं है तो जस्ट लीव इट नो फॉर हिम एवरी अटेम्प्ट इज अ डाई अटेम्प्ट कैच द प्रे और क्या लगता है यदि गेट डिप्रेस्ड अगर उसको सक्सेस नहीं मिलती नो ही डज नॉट अगर वो डिप्रेस्ड नहीं होता वो ट्राई करना नहीं छोड़ता तो आप और मैं इतना परेशान क्यों हो जाते हैं Why is it that we as human beings think the lack of success is a failure? Look, we are all designed in the same manner. We learn from mistakes. Okay. But क्या होता है? वेन यू टेक योर माइंड बैक टू द स्कूल या घर का लो बचपन का कोई गलती करो तो एकदम धाड़ पड़ जाता है यानी कि वी आर पनिश्ड फॉर मेकिंग मिस्टेक्स एंड दैट स्टार्टेटिंग इनग्रेंड इन टू आर सिस्टम वी आर एक्चुअली डिजाइन टू लर्न मेकिंग मिस्टेक एंड हमारा जो फेलियर है इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस इन लाइफ एंड रिम्बर इफ यू आर अवॉइडिंग फेलियर यू विल ऑल्सो अवॉइड सक्सेस विद दैट नोट I वुड लाइक टू टेक यू बैक टू your childhood. जब आपने बचपन में साइकिल चलानी सीखी थी तो क्या किया था पता नहीं कितनी बार गिरे हो गए तो क्या आपने साइकिल चलानी छोड़ दी आप गिरे उठे फिर साइकिल चलाने लगे बिकॉज यू वर enthusiastic अबाउट लर्निंग प्लस उस समय आपके माँ बाप और जो बड़े थे वो आपको इंकरेज कर रहे थे येस बेटा यू कैन डू इट लेकिन जैसे हम बड़े होने शुरू होते हैं क्या होता है हर छोटी गलती के ऊपर यू गेट अ रैप ऑन द नकल एंड स्टेज कम्स इन लाइफ कि अगर आपने कोई एक नई चीज़ मेरी स्टेज में आते आते या आपकी स्टेज में आप जब एक नई चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आपको डर रहता है यार क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊँगा तो यू स्टार्ट अवॉइडिंग यू हैव एंड यू मेक एक्सक्यूजेस अगर आज मेरे को कोई बोलता है अगर मेरे को ऑनलाइन नहीं आता काम करना यार एक रिजर्वेशन करनी है नहीं यार पता नहीं क्या होगा कहीं मेरे पैसे ना लुट जाए ये ना हो जाए

उटकम इ अगर आप फेलियर को दिल से लगा लो गए बट इफ यू लुक एट इट दिस क्योंकि मैं इस रास्ते गया लेट मी चेंज माई ट्रैक आर्मी बेबी क्या होता है बैटल फील्ड आप हमला लेफ्ट से करते हो अगर सक्सेस नहीं मिलती अल्फा कंपनी वेर वो कंपनी आप डाइने से अटैक करो यू विल गेट सक्सेस That is what success is all about, and you have to gain from whatever you unlearned. You should always remember that you should say I failed at getting things done from the left, but rather than saying ki I am a failure. जब आप एक के मन में आ जाएगा कि आप failure हो, तो आप failure ही रह जाओगे. Anyone who believes he has failed will always fail. क्योंकि आपने सोच लिया कि आप fail हो जाओगे. ठीक है एंड इफ यू कैन नॉट बिहेव डिफरेंटली थिंग चेंज लाइफ बड़ी तेजी से बढ़ती है चेंजेस आ रहे हैं और हमें उसके साथ साथ चेंज होना है अगर हम नहीं होंगे तो वी विल पेरिश कैन यू सी दिस ट्री ये पपीते का पेड़ जिस तरह से अटका हुआ यहां पर अगर ये फल नहीं भी देता तो आप कहते यार क्या हो गया फल नहीं दिया हमारी भी लाइफ में कई बार ऐसे एडवर्सिटीज आएंगे जब हम इस तरह से फंसे हुए होंगे क्या हम उनसे यार ये तो आते रहेंगे बादल आएंगे छट जाएंगे एंड वी आई विल फाइट माई वे थ्रू अब मैं आपको एक रियल स्टोरी बताऊंगा अबाउट स्पिल्ड मिल्क एक साइंटिस्ट था बड़ी यंग एज में उसने काफी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स हो गए थे तो एक न्यूज रिपोर्टर जो था वो उससे पूछता है कि भाई क्या आपका सक्सेस का क्या राज है कि आप इतनी यंग एज में आप इतना सक्सेसफुल क्यों हो गए तो कहता है इसकी सक् जो है मैं क्रेडिट अपनी माँ को देता हूँ कहता है जब मैं छोटा सा बच्चा था तो बच्चों की आदत होती है कि माँ को हेल्प करनी है तो वो दो साल की उम्र थी या फ्रिज खोला और दूध की बोतल उठाई छोटे छोटे हाथों से फ्रूथ की इतनी भारी बोतल कहाँ उठती तो दूध की बोतल नीचे गिर जाती है और चारों तरफ दूध ही दूध हो जाता है अब इमेजिन आप एक मिनट के लिए यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और सोचो कि अगर बचपन में आपके साथ ऐसे जब हुआ होता या कुछ ना कुछ ऐसी चीज हुई होगी तो घर में क्या हुआ हम श्योर कोराम मच गया होगा और माँ ने हो सकता है डंडा भी लगाया हो लेकिन ये माँ जो थी ये अलग थी ये माँ क्या कहती है ये देखो वो कहती है रॉबर्ट व्हाट अ ग्रेट एंड वंडरफुल मेस यू हैव मेड मैंने जिंदगी में ऐसा दूध का जो है ना सलाब नहीं देखा फिर कहती है चलो यार अब दूध तो गिर ही गया है तो थोड़ी देर के लिए इसमें खेल क्यों नहीं लेते मिस्टर रॉबर्ट यू नो प्लेज इन दैट मिल्क फॉर सम टाइम एंड आफ्टर ही प्लेड विद द मिल्क और दस पंद्रह मिनट खेल हाथ पैर मार लिए तो उसके बाद उसकी माँ क्या कहती है आगे वो कहती है कि देखो रॉबर्ट जो गिरा है सामान हमसे अगर कोई चीज खराब हुई है उसको ठीक करना भी हमारी जिम्मेवारी है वी हैव टू गेट बैक टू नॉर्मल तो उसके लिए अभी हमें इसको क्लीन अप करना पड़ेगा तो क्लीन आप ही करेंगे तो आपको क्या चाहिए पांच चाहिए टाल चाहिए या मॉप चाहिए क्या वोट यू प्रेफर तो अब रॉबर्ट कहता है कि उसके बाद मां और मैंने दोनों ने मिलकर पहली चीज हमने क्या किया पूरी साफ सफाई की जब साफ सफाई हो गई फिर आगे मां क्या बोलती है माँ बोलती है कि बेटा देखो तुमने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आपने अपने छोटे छोटे हाथों से दूध की बोतल पकड़ी और गिर गई अब हमने ये देखना दैट वॉज अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट अब हमने देखना कि आप कैसे इन टाइनी माइनी हैंड से दूध की बोतल को आप अगर पकड़ के दूर तक लेके जा सकते हो इसी लेट्स गो टू द बैकयार्ड घर के पीछे गए अब दूध की बोतल में पानी भरा गया नाउ रॉबर्ट वॉज टोल्ड कि भाई आप अब देखो कैसे आप इसको उठा सकते हो ताकि बॉटल गिरे ना तो नाउ रॉबर्ट ट्राइड conclusion कि अगर मैं यहां lip of the bottle से पकड़ता हूं then this bottle I can carry to a much longer distance without falling down। Okay अब Robert कहता है कि मैंने उससे सबसे बड़ा यहां पर मैंने क्या सीखा The key takeaway मुझे गलती करने से डर नहीं लगना चाहिए और जस्ट अपॉर्चुनिटीज न्यू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में भी यही होता है तो एक्सपेरिमेंट एक किया नहीं सक्सेसफुल हुआ उसको छोड़ा आप दूसरी तरफ चले गए आप देखो थॉमस एडिसन जिसने बल्ब का इन्वेंशन किया था हजार बार फेल हुआ उसके बाद बल्ब बना उससे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि भाई तुम तो यू फेल्ड थाउजेंड टाइम्स कहता नो आई डिड नॉट फेल टाइम्स आई लर्न थाउजेंड वेज ऑफ नॉट मेकिंग द बल्ब दैट इज द पॉजिटिव अप्रोच इन द एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ इवन इफ द एक्सपेरिमेंट डज नॉट वर्क वी स्टिल लर्न समथिंग फ्रॉम इट एंड रिमेम्बर लाइफ इज लाइक अ बॉक्सिंग रिंग कभी कभी आपको पंच पड़ेगा नॉकआउट आप नीचे गिरेंगे लेकिन आप अभी हारे नहीं हो

वेन यू हैव गो थ्रू एडिवर्सिटी इट गिव्स यू अ परिव एक आदमी जो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी से छह महीने के बाद जब उठ के आता है अब क्या है वो रियलाइज करता है कि लाइफ की अहमियत क्या है अब छोटी मोटी जो पिनप्रिक्स जिसके लिए वो पहले हमेशा रोता रहता था यार आज धूप तेज हो गई आज बारिश हो गई मैं बाहर नहीं जा पा रहा ये छोटी छोटी चीजें उसको तंग करनी बंद कर देती हैं दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे सेकेंडली टीचर्स अस्ट टू बी ग्रेटफुल मैं दो महीने के लिए अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूं या बेड पे पड़ जाता हूं अब तो मैं चल फिर नहीं पा रहा हूं तो मुझे रियलाइज होता है कि यार मेरे हाथ पैर की कितनी इंपॉर्टेंस थी मैं चल पाता था आई कुड डू एनी थिंग एंड एवरी आई वॉन्टेड तो द फिस्ट दिस इज द नेक्स्ट बिग टेक अवे आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल सुबह उठो बी ग्रेटफुल फॉर वॉट गॉड हैज गिवन यू गोन्ट यू स्लीप अगेन बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव एंड नॉट कम्प्लेन अबाउट वॉट यू डोंट हैव उट आर हिडन पोटेंशियल मैं आपको अपना पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ अट्ठाईस दिसंबर दो हजार बारह मैं उस समय ब्रिगेडियर था सूलह पाटलरी में पोस्टेड था मैं बारह साढ़े बारह बजे की बात है मैं अपना इंस्पेक्शन करके ऑफिस में आया कि इतना मोटा ठट्ठा पड़ी थी उसके ऊपर एक लेटर था लगभग दो सौ पेज का ये पिटीशन था उस पर लिखा था डियर ब्रिगेडियर आपके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस मुंबई हाई कोर्ट में फाइल हुआ है क्योंकि एक डबल बेंच ऑफ जस्टिस सो एंड सो एंड सो एंड सो जो है चार जनवरी को सुना जाएगा एक फौजी जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई कोर्ट के चेहरी का नाम ना सुना हो कोई गलती ना करी हो इस टाइप की देख के क्या होगा आई वॉज अफ्रेड फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट यार ये क्या हो गया मैंने अपने नंबर टू को बोला यार देखो ऐसे ऐसे केस फाइल हो गया सर करा के निकल जाओ बॉस गोल्जर हूं अगर इफ आई बिन पुस्ट इन द एरे आई विल फाइट एंड आई विल फाइट टिल द एंड एंड आई फट दस महीने लगे एंड आई द केस। एक-एक जवाब मैंने खुद बनाया था एंड ऐसा नहीं है कि उन दस महीनों में मेरे पास मतलब ऐसे मोमेंट नहीं आए वेन आई वाज अंडर लॉर्ड ऑफ प्रेशर प्रेशर वॉज देय बट वेन आई लुक बैक आफ्टर आई वन द केस इट गेव मी लॉर्ड ऑफ स्ट्रेंथ

उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं वी आर रनिंग आफ्टर मनी वी आर रनिंग आफ्टर कैरियर वी आर रनिंगी तो आप सुबह एक घंटा और शाम को एक घंटा एक्सरसाइज एक शुरू कर दो इज द लाइफ वे ऑफ मेकिंग यू टू डू करेक्टिव एक्शन यूल कम फ्रॉम हेयर जो आपने यहां सिखलाई ली है एंड इट बिल्ड योर कॉन्फिडेंस इन सेल्फ स्टीम अब द नेक्स्ट थिंग इज डर किसको नहीं लगता वट यू टू कंफ्रंट यूर एंड हाउ डू डू दैट देखो टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट भी विलिंग टू बी अनकंफर्टेबल अगर मैंने स्विमिंग सीखनी है तो मैं बिस्तर में लेट के स्विमिंग नहीं सीख सकता आई हैव टू कम आउट ऑफ माई हाउस

फुल हार्डीनेस एंड ब्रेवरी देर इज अ वेरी थिन ब्रेवरी इज कैलकुलेटेड रिस्क फूल हार्डिनेस इज समथिंग विच लाइक इफ आई टेल यू बॉसि मंजिल से नीचे जंप कर जाओ वो क्या है दैट इज फूल हार्डिनेस बिकॉज यू आर बोन टू ब्रेक योर लिम्स बट इफ आई टेल यू टू जम्प फ्रॉम सेवन फीट डेफिनेटलीटेड रिस्क यू कैन जम्प्रॉम सेवन लेट्स नॉट मिक्सअप बिटवीन फूल हार्डीनेस एंड ब्रेवरी

फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज पब्लिक स्पीकिंग नाइन्टी परसेंट लोगों को फियर होता है पब्लिक स्पीकिंग मैं हमेशा अपने क्लास में बच्चों को यही इंकरेज करता हूँ कम आप खड़े हो कुछ ना कुछ बोलो कुछ पूछ पूछो डरो मत हेयरिंग वर्ड नो और रिजेक्शन दो दिन के बाद वैलेंटाइन डे है हो सकता है आप भी लाल गुलाब लेके कहीं चल रहे होगे आधे रास्ते में आते हो अब आपके पेट में दर्द शुरू हो जाती है यार दू ना दू दू ना दू अब ये ना हो सैंडल सिर पे ना पड़ जाए अब आपके पास दो विकल्प हैं या तो आगे जाओगे या छोड़ो यार पंगा नहीं लेना एंड यू कम बैक यू कम बैक नाउ यू कैन कीप रिग्रेटिंग योर लाइफ यार कांच दे ही देता देखी जाती क्या होगा इट्स अप टू यू चेंजिंग जॉब्स स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस चिल्ड्रेन एट योर लेवल चेंजिंग स्कूल इज ऑल्सो

अब सब भूल जाते हो आपको यह समझ में नहीं आता मैं बापू को जवाब क्या दूँ इट है ना ये हमारी जान निकाल देता है लेट से एक स्टूडेंट गुड इन पेंटिंग अच्छी क्लास में सबसे अच्छी पेंटिंग वही बनाता है अब क्या है क्लास में वो बेताज बादशाह है कि मेरे से अच्छी कोई पेंटिंग नहीं बना सकता सडनली शहर में एक कोई जो नो कॉम्पिटिटिव वो होता है पेंटिंग कॉम्पिटिशन उसमें रजिस्टर करना है अब मन में ख्याल आता है कि सारे कुछ लोग बोलते हैं भाई रमेश तुम भी अप्लाई करो यू आर अ गुड पेंटर अब मन में ख्याल आता है यार अगर मेरा पहले तीन चार में नंबर नहीं आया तो मेरी तो इज्जत का फलूदा बन जाएगा अभी तो क्लास में मैं बेताज बादशाह हूं क्या होगा क्या नहीं होगा अब जब इस कशमा कश्म में आदमी फंसता है तो फिर या तो वो जाएगा और या फिर इस डर से वो तो अप्लाई नहीं करेगा जब आप अप्लाई नहीं करते तो क्या होता है उस समय बड़ी चैन की वो होती है अरे यार ठीक आई एम हैप्पी विद वट एवर आई एम गेटिंग कुछ नहीं करना मैं लेकिन जब इवेंट शुरू होता है तब क्या होता है आप जाते हो वहां देखते हो विनिंग पेंटिंग्स लगती हैं एंड यू फाइंड यार इस पेंटिंग से अच्छी तो मैं भी बना सकता था अब क्या होगा ना यू विल फील पावरलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड सेल्फ एस्टीम आपका वैसे ही लो हो गया यार अच्छा भला मैं भी अप्लाई कर देता तो क्या हो जाता बट अब तो यू कॉन्ट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क द इवेंट इज गॉन यू कुड है चांस यू हैव सब एज यूर ओन सक्सेस और अगर आप ऐसे ही रिपीटेडली करते रहेंगे तो आपकी लाइफ बड़ी अन इवेंटफुल हो जाएगी तो दैट इज व्हाई डू द थिंग्स यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टन डोंट वरी फाइट डू इट जब भी कुछ ऐसा आता है तो ये याद रखना यू आर अ विनर जस्ट बाय एंटरिंग द एरेना एंड पार्टिसिपेटिंग रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट गीता में भी यही बोला है कर्म करो फल की इच्छा मत करो अपने आप आएगा आज नहीं तो कल सक्सेस यू विल गेट कीप ट्राइंग समडे यू विल गेट इट इफ नॉट टुडे डे रिस्क टेकिंग इज अ वेरी वेरी यू नो अ स्ट्रांग थिंग्रेट विच वी ऑल मस्ट है डिफरेंस एंड फॉर दैट प्लीज रिमेंबर वन थिंग यू हैव वन लाइफ टू लिव लिव एट योर वे लिव लिव फॉर योर पैशन एंड डोन्ट बी अफ्रेड सक्सेस मिलेगी कि नहीं एक चांसेज प्रोफेशनली कम आउट विनर अब यहां पर मैं आपके सामने एक टेस्ट आपको दूंगा दिस इज द टेस्ट ऑफ नाइन डॉट्स आपने इन नाइन डॉट्स को चार स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है और आपने पेन को उठाना नहीं है पेपर से अब यहां पर आप वीडियो को पॉज करिए और चार स्ट्रेट लाइन बिना आगे गए खुद तो बना के देखिए कि कैन यू कनेक्टेड विथ फोर लाइन्स विद फोर स्ट्रेट लाइन्स ओके टेक अ गैप ऑफ मिनट्स टेक आउट पेपर एंड पेन डू इट चलो विल गो फॉरवर्ड अब आप देखो जब मैं स्ट्रेट लाइन्स बनाता हूं तो आई नीड फाइव स्ट्रेट लाइन्स टू कनेक्ट ऑल डॉट्स इफ आई डोंट रिमूव लिफ्ट माई पेन क्यों क्योंकि मैं बॉक्स के अंदर अटका हुआ हूं अब मैं कैसे इसको चार स्ट्रेट लाइन के साथ कर सकता हूं लेट्स लुक एट दैट ठीक है नाउ यू सी व्हाट आई हैव डन मैं यहां से गया एंड आई वेंट आउट ऑफ द बॉक्स फिर यहां से गया आई हैव अगेन गॉन आउट ऑफ द बॉक्स आई केम हेयर एंड आई हैव कनेक्टेड ऑल नाइन डॉट्स इन फोर स्ट्रेट लाइन बेसिकली क्या किया आई वेंट आउट ऑफ द बॉक्स आपने कोट भी सुना होगा कि भाई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग

उस कार्ट का अगर एक व्हील मैं निकाल देता हूं तो क्या होगा वो ऐसे जमीन पे जो जहां पे व्हील निकला हुआ है वो जमीन पे आके इधर ऐसे फिक्स हो जाएगा तो जब ये फिक्स हो जाएगा अब अगर बुलक आगे मूव करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा क्या वो सीधा जाएगा नो ही इज नाउ ओनली गोइंग इन द सर्कुलर पाथ अब ये बुलक अगर पूरा सुबह से लेके शाम तक ऐसे ही घूम घूमता रहा घूमता रहा उस सर्कुलर पाथ पे तो क्या उसने कुछ काम किया उस बुलक से पूछोगे उसके ओनर से पूछोगे तो कहेगा हाँ यार मैं तो पूरे दिन भर लगा हुआ था पर वो तो सिर्फ मूवमेंट हुई है प्रोग्रेस कुछ नहीं हुई क्योंकि आप जहां थे सुबह वहीं हो शाम को भी तो प्लीज लुक इनटू योर लाइफ आर यू डूइंग मूवमेंट और आर यू डूइंग प्रोग्रेस तो अगर कोई करेक्शन करनी है मिड कोर्स करेक्शन करनी है तो प्लीज डू इट नाउ रिमेंबर ड्रीम्स विदाउट गोल्स आर जस्ट ड्रीम्स एंड दे अल्टीमेटली ओनली फ्यूअल डिसअपॉइंटमेंट गोल्स उसके आगे होने जरूरी हो जाते हैं नेक्स्ट थिंग हायरिंग बाय बिग कंपनीस आज की डेट में जो अच्छी अच्छी जो टॉप जो बिग कंपनीज हैं वो जब अपनी सीनियर लेवल की जो मैनेजमेंट को जब हायर करती हैं या उनका अपराइजल करती हैं साल के बाद तो वो ये देखती हैं कि इसने अपनी जो पूरे साल भर में जो डिसीजन लिए थे उसमें कितने डिसीजन गलत हुए कितनी बार वो फेल हुआ अगर कोई कहता है कि मेरा तो मतलब पूरा क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है कहीं भी मैं फेल नहीं हुआ कोई भी मेरा डिसीजन गलत नहीं हुआ तो वो कैसे हो सकता है अगर मैं भी पूरा दिन बिस्तर में लेटा रहूंगा कुछ नहीं करूंगा तो कोई डिसीजन गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने लिया ही नहीं या फिर मैं एक बीटन पाथ घिसे पिटे पाथ पे अगर मैं चल रहा हूं आई एम नॉट वेंचरिंग आउट आई एम नॉट टेकिंग रिस्क तब भी मेरे से कोई गलती नहीं होगी

विक्ट्री मेक्स अस्ट्री ओके अब आ जाता है कि भाई मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूं तो फिर मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है तो वी विल जस्ट स्पेंड टू मिनट्स ऑन दैट फोर्स्टली डू आई है अब आप लेट से एनडीए की तैयारी कर रहे हैं आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं चार बजे में उठूंगा चार दस से लेकर छः बजे में मैथ्स करूंगा छः से साढ़े छ आई विल गेट रेडी सिक्स थर्टी टू एट आई विल डू माई इंग्लिश एट टू एट थर्टी ब्रेकफास्ट और उसके बाद ऐसे करते करते रात को दस बजे तक का आपका ऐसे वाटर टाइट आपने प्रोग्राम बना रखा है कि वो यू कांट एक्चुअली इंप्लीमेंट। अगर ऐसा प्रोग्राम है तो प्लीज रिव्यू इट एंड मेक इट अगेन ओके लेट्स से यू हैव मेड रियलिस्टिक टाइम टेबल आफ्टर लिसनिंग टू मी नाउ आर यू ट्रूली कमिटेड आप चार बजे के बजे आपने छ बजे का अपना प्लान बनाया था उठने का लेकिन छः बजते हैं अलार्म बजता है और आप ठा करके अलार्म को बंद करते हो यार पांच मिनट के बाद उठूंगा और वो पांच मिनट करते करते आठ बज जाते हैं डज दट शो योर कमिटमेंट इट लीस्ट नाउ रिलीजियसली फॉलो इट यू मेड अ रियलिस्टिक टाइम टेबल इट लीस्ट फॉलो इट ऑल्सो रिलीजियसलीव टू मैनी डिस्करेजिंग इन्फ्लुस नेगेटिव और क्रिटिकल पीपल अगेन आई गेट बैक टू दैट पर्सन जो पेंटिंग कॉम्पिटिशन में जाने की सोच रहा था और उसको मेरे जैसा एक मित्र मिल जाता है अरे रमेश क्यों कर रहा है क्लास में तेरी देख कितनी इज्जत बनी हुई है क्यों वहां जाके अपनी इज्जत का खलूदा बना रहा है मत जा यार मत कर डोंट डू इट नाउ माय रिक्वेस्ट टू यू इज कि अगर कोई ऐसा मित्र या ऐसा कोई आपकी सर्कल में है जो आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपका हाथ या रादर आयल से पैर पकड़ के आपको रोक रहा है तो पहले तो उस कंपनी को छोड़ो यू डोंट नीड नेगेटिव पीपल अराउंड यू यू नीड पीपल टू इनकरेज यू अरे यार सो so वट अगर तुम तो पहले दस में नहीं आए यू आर अ गुड पेंटर आई एम श्योर यू विल गेट सम और एटलीस्ट यू नो समाइजीशिएटर पेंटिंग दैट इज हाउ गुड फ्रेंड्स आर ऑल अबाउट ओके सेकेंडली आर यू प्रिपेयरिंग टू सक्सीड यू हैव टू डू ऑफ प्रिपरेशन एंड यू हैव टू बी कोचेबल कोचेबल आई से इज यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड

Mark Victor Hansen and Jack Canfield. They are the author of the best-selling books called Chicken Soup for the Soul. You know, if you go back to their history, जब इन्होंने पहली बार किताब लिखी थी, तो तीन साल, which is thirty-six months, छत्तीस महीने, ये एक पब्लिशर से दूसरे, दूसरे से तीसरे करते करते they went to thirty-three publishers. और उन्होंने इनकी किताब को पब्लिश करने से मना कर दिया

अइफ् स्पेंट मेकिंग मिस्टेक्स इज नॉट ओनली मोर ऑनरेबल बट मोर यूजफुल देन अ लाइफ स्पेंट डूइंग नथिंग आई लीव यू विद दिस कोट एंड इट्स अ वन वे सेशन आई एम श्योर सम ऑफ यू वुड हैव सम क्वेरीज प्लीज डोंट हेजिटेट टू राइट योर क्वेरीज इट द कमेंट बॉक्स आई विल रिस्पॉन्ड टू दिंग ऑन अ वन टू वन वे और लास्ट में मेरी एक ही रिक्वेस्ट है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है किसी के काम आएगा तो आप चाहे इस वीडियो को लाइक करें ना करें लेकिन आप शेयर जरूर करिए लेट समबड़ी एल्स ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो सो दैट ही ऑल्सो नोज देर इज अ वे आउट आई कैन ओवरकम माई फियर्स अ फेलियर एंड आई कैन ऑल्सो बी अ सक्सेसफुल मैन विद दैट थैंक यू जय हिंद अगर आप इलेवेंथ या ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होने के साथ साथ एक डिफेंस एसप्रेंट भी है और NDA एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के NDA फाउंडेशन कोर्स को इस कोर्स में आपको मिलेगा NDA एग्जामिनेशन का फुल सिलेबस कवरेज डेली क्लासेस डेली करंट अफेयर्स वीकली मॉक टेस्ट एंड फ्री स्टडी मटेरियल For admission details, you can call or WhatsApp us at 97959 or you may visit our official website www.CenturionDefenseAcademy.com Thank you, Jai Hind.